अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं कुछ और सवाल और उनके जवाब लेके आई हूँ। तो शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है, कुरान करीम की कौन सी दो सूरतें हैं जो एक साथ नाजिल हुई? आपका जवाब है सूरह नास, सूरह फलक। दूसरा सवाल है, अजान में अल्लाह अकबर कितनी बार आया? जवाब है 6 बार। अजान में अल्लाह अकबर 6 बार आया है। तीसरा सवाल है, सबसे पहले किस मखलूक ने खाने काबा का तवाफ किया? जवाब है फरिश्तों ने। जन्नत में कितने दरिया मौजूद हैं? जन्नत में कितने दरिया मौजूद हैं? जवाब है 4। वो कौन से नबी हैं जो पैदा होते ही बोलने लगे? जवाब है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा होते ही बोलने लगे। अगला सवाल है, किस महीने को हमारे हुजूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना कहा जाता है? जवाब है शाबान। सवाल है, कौन सी सूरह पढ़ने से कब्र में रोशनी होती है? जवाब है सूरह मुल्क। अगला सवाल है, कुरान मजीद में रुकू की तादाद कितनी है? जवाब है 558। अगला सवाल है, कुरान मजीद का उर्दू में पहला तर्जुमा किसने किया? जवाब है शाह रफीउद्दीन। अगला सवाल, सबसे पहले अल्लाह पाक के किस नबी ने इंसानों को लिखना और पढ़ना सिखाया? जवाब है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। अगला सवाल है, सबसे पहले कौन सी आसमानी किताब नाजिल हुई? जवाब है किताब तूरैत। तो इंशाल्लाह मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप ये दीन की मालूमात अपने लोगों तक, अपने आसपास के लोगों तक और ख़ासकर हमारे जो बच्चे हैं उन तक ज़रूर पहुँचाएंगे। मैं भी इसके लिए कोशिश कर रही हूँ कि आप तक दीन की जो मालूमात है तो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाऊँ। और आप भी कोशिश करिए कि आप हमारे बच्चों को ये दीन की मालूमात, जो दीन की बातें हैं वो बताएँ, ताकि उनके जो दीन में है वो इजाफ़ा हो, उनकी मालूमात में इजाफ़ा हो। आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाती रहूँगी जिससे हमारा अल्लाह भी हमसे खुश हो और हम अपने ये जो दीन की बातें हैं वो आप लोगों तक पहुँचाने में कामयाब हो सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।